22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई और हजरत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के जमाने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हजरत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे, कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई, आप उठ के बैठ गए। आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फकर में चले गए, फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फकर में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला, फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो आयशा ने कहा पहले आप हां ना करें, फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए, फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर रहा, तू बता, तू घर वाली है, जिंदगी में अल्लाह के नबी ने दो टाइम खाना खाया कभी? दो टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कजिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कजिया? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता, तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। हफ्जा तेरे घर में नबी के दो जोड़े थे या एक था? एक था, उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम ने खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है, और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुने सुकने पाए, हुने सुकने पाए, अली गिलेन में आ जाना, नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी तो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। तुझे याद है हफ्जा मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तुम्हें तो याद है कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा। एक दफा तूने छोटे से उस पर टेबल पे रख दिया था और कहा या रसूलल्लाह आप जरा आराम से खा लें, तो आपने खाना उठा के जमीन पे रख के कहा था हफ्जा मैं गुलाम हूं, मैं गुलामों की तरह खाना खाऊंगा। तुझे वो भी याद होगा तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर क्या था? बता। क्या जी एक टाट था, टाट जो दिन में फैला देती थी रात को दोहरा कर देती। का अच्छा वो रात याद है जब तूने उसी टाट की एक की बजाय दो तह लगाई थी और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा था हफ्सा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? कहा नहीं यार रसूल अल्लाह वही है,
میں نے ایک کی دو تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہا نہیں حفظہ, اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو, میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں ٹھیک. کہا تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے, عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ. تین دوست تھے, تین مسافر تھے, ایک ان کی ڈگر تھی, اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے, اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا, ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا, نماز فجر کی نماز پڑھا تھا, اب ایک دم گرے. وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی, اس نے سات وار کیے خنجر کے پیٹ, تو اب گرے. تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں, تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی, اور چند آدمی اس کو بھاگ پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے, دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اما جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین, نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں, کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا, اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا, اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں. عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اما عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی, پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی, لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی, لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا, ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں, تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا, اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے, تو گھبراہٹ دیکھی. علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہوں, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا, میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا, سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے, مسجد میں ایسے لوگ تھے, ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. ہاتھ دیو. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے, دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا.
ये उमर कह रहे हैं और सने डरा हूं मौत के बाद क्या होगा उस पर डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, एक तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार वो तो हसन हुसैन है, मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क़यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हजरत अली ने कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का, बेटा ये जमीन पे लेटा। उन्होंने यहां से हटाकर यहां सर रख दिया। वह हक सुना नहीं क्या कह रहा हूं, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, क्या कह रहा हूं जमीन पे डालो। उन्हें आगे कर दे, खुद पीछे उठ, अपना चेहरा मिट्टी में यूं रख और मिट्टी में मुंह मलने लगे ऐसे और कह रहा है वैलुल वैलुल लक या उमर इल्लम यगफर लक उमर इल्लम यगफर लक रब्बुक। ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ न की तो तू हलाक हो। वैलुल लक वल उम वैलुल लक वल लक या उमर इल्लम यगफर लक रब्बुक। उमर, अगर आज तुझे अल्लाह ने माफ न की तो तू हलाक हो। इतने बड़े मकाम वाले 1,24,000 में एक आदमी है मुराद, इसे मांगा गया एक आदमी, या अल्लाह उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। वो कह रहे हैं वैलुल्लक या इल्लम यग़फिर लक रब्ब। ऐ उमर, तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना की। ये कहते 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 जान निकल गई। सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपने वसीयत फरमाई थी, मेरा जनाजा सुहैब पढ़ाए, रूमी जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया और आकर अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी तो कोई पता नहीं था किसी को, गवे ठहर जाओ जनाजा यहां रख दो। फिर आगे बढ़े, दस्तक दी, अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे पहुंच चुका है, अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया मरहबा बे उमर, हम उमर को खुश आमदेद कहते और बाहर तशरीफ ले गई। वहीं हुजरा मुबारक में कब्र खोदी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो जनाब इमाम अल मुत्तकीन हजरत अली खड़े हुए रो रहे थे और फरमा रहे थे उमर, मुझे पता था तेरे सिवा यहां कोई नहीं आ सकता, मुझे पता था यहां तू ही आए और कोई नहीं आ सकता, चूंकि मैंने हजारों दफा सुना खरच तो अना व अबू बकर व उमर दखल तो अना व अबू बकर व उमर, मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे, मैंने अपने नबी ने के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, वैसे मुझे पता था तू इसी जगह पे आएगा, तेरी यही जगह है। मेरे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हो का टाइटल जीता और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाली। बेशक मेरा रब रहीम है,
مسکر رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تے کیڑے علم کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدان کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کرے۔